एवरीबॉडी, दिस इज कौशल कुमार फ्रॉम देसी लाइफ इन चाइना। और अभी आपका भाई चाइना के अंदर में है और आज जो तारीख है आपको 29 मार्च है। और आज अभी मैं बाहर हूँ, अभी घर जा रहा था तो मैं एक ओवरब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और ये रिंग रोड पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाड़ी की आवाज़ाही हो रही है। तो आज आपका ये भाई जो वीडियो शुरू करने वाला है, तो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज WHO रिस्पॉन्सिबल और इज चाइना रिस्पॉन्सिबल। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे अभी घर जाके, क्योंकि मैं पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकता कि WHO रिस्पॉन्सिबल है या आपको चाइना रिस्पॉन्सिबल इस पेंडेमिक सिचुएशन के लिए। बट बाकी अभी मैं चाइना के अंदर में हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ कि चाइना, अभी मैं एक ओवर ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ और घर जा रहा था, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा रिंग रोड खुल चुका है और काफ़ी गाड़ी आना जाना हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यार दोस्तों, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम लोग घर पे पहुँच के बात करेंगे, डिस्कस करेंगे काफ़ी चीज़ें। बाकी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इससे पहले भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको डाउनटाउन की वीडियोज़ दिखाई थी, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा कि आप वो भी देख सकते हैं चाइना का जो लाइफ है आफ्टर कोरोना। बाकी अभी आप ये देखिए, मैं रिंग रोड के ऊपर खड़ा हूँ, तो आप एक बार यहाँ का नज़ारा देखें। Do you wanna know? तो फाइनली दोस्तों, मैं घर आ चुका हूँ और अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी करें मेरे वीडियोस को, और अगर वीडियोस पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। तो हमारा जो पहला टॉपिक था इस वीडियो में कि भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है, WHO रिस्पॉन्सिबल है या आपको क्या कहते हैं चाइना रिस्पॉन्सिबल है इस पेंडेमिक सिचुएशन के लिए। तो मैं तो नहीं जानता, बट मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूंगा, आप लोग खुद इसको एनालाइज करें, जज करें और फिर मुझे बताएं कमेंट करके या मेरे को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। तो कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहली बात यार ये कहना चाहता हूँ, व्हाई ऑल कंट्रीज आर डिफेंसिव फॉर चाइना, जब क्यों अभी भी चाइना के प्रति लोग इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं, क्या रीज़न है? और WHO जो है, मतलब इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है चाइना को, क्या कारण है? तो पहले अगर हम WHO से शुरुआत करते हैं कई पॉइंट्स को लेके, WHO के बारे में अगर बता दूं कि जो WHO के अभी जो डायरेक्टर है उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस। ये पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि खुद में ही एक डॉक्टर नहीं है, ये PhD वाले डॉक्टर है, ठीक है। जो डॉक्टर टेड्रोस हैं ये WHO के डायरेक्टर होने से पहले वो इथोपिया के हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने और 3 बार वहां रह चुके हैं, 3 टर्म्स। और उस टाइम में चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट था, चाइना ने काफी सपोर्ट किया था, और जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे तो 3 बार चाइना के अंदर में इथोपिया के अंदर में एपिडेमिक आई थी, और उसके लिए चाइना ने इनको काफ़ी सपोर्ट भी किया था। उसके बाद ये है कि अभी जो WHO के जो आपके डायरेक्टर हैं डॉक्टर टेड्रोस, वो चाइना भी आए थे, हर चीज़ को इन्होंने एनालाइज किया था, उसके बाद भी इन्होंने चाइना को सपोर्ट किया था, तो उसके पीछे भी अभी हम बात करते हैं। तो फिर पहले हम WHO की बात करेंगे। टेड्रोस का चाइना के साथ काफ़ी अच्छा लिंक है, काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, और चाइना के काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है इथोपिया के अंदर में, सबसे पहली बात आपको ये क्लियर कर दूं। उसके बाद आपको ये बता दूं कि WHO कहाँ कहाँ पे मिस किया है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में पहुंचा या लेट पहुंचा। पहले कोरोना वायरस की अगर बात करें, चाइना के अंदर में जो कोरोना वायरस था आपको, ये 17 दिसंबर के बाद शुरू हुआ, बट अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं, मतलब वुहान में या कुछ रिपोर्ट ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि नवंबर में ही आ चुका था, बट अभी तक तो उसकी कोई जानकारी सही से किसी को मिली नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता। बट जो अभी तक रियलिटी यही है कि ये 17 दिसंबर को वुहान के सी फूड मार्केट से उठल के आया था। उस टाइम में जो विशल ब्लोअर थे डॉक्टर ली वेलियांग, जिसको पूरी दुनिया जानती है आज के डेट में, और ली वेलियांग जो है अभी इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि जिन्होंने सबसे पहले बताया था इस वायरस के बारे में, ये बड़ा खतरनाक वायरस है, फिर इनको पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस पकड़ने के बाद इनको वार्निंग दे के छोड़ा गया, इनसे एक माफीनामा लिखवाया गया, माफीनामे में इन्होंने बेचारे ने ये लिखा था कि नहीं नहीं मैं गलत था, मैं ऐसे ही बता रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है चाइना के अंदर में, सब कुछ नॉर्मल है, बाकी मुझे क्षमा कर दे। तो ये चीज़ था, फिर कुछ दिन के बाद पता चला कि इनकी डेथ हो गई कोरोना वायरस से। तो ये बड़ा सोचने की बात है यार, बहुत बड़ी बात है सोचने की। उसके बाद देखो WHO ने क्या गेम प्लान किया, WHO का सीन यहां तक हम बात करते हैं। जब ये वायरस चाइना के अंदर में फैला तो 31 दिसंबर को ताइवान ने बोला कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। ताइवान हमेशा आगाह करते रहा WHO को, WHO का क्या होना चाहिए, WHO को ये रियलिटी में सबको बताना चाहिए, जो WHO के रूल्स होते हैं कि भाई
जो एपिडेमिक सिचुएशन है उसके बारे में वर्ल्ड को आगाह करे, जो अभी कर रही है वो, उसको हर चीज बताए ये ऐसा करो आप ऐसा करो इससे ऐसे बचो, पर वहां पे ये WHO मिस कर गया। और आप देखिए उसके सिचुएशन आज के डेट में पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। आज 29 मार्च है, उस 29 मार्च को आपको बता दूं कि आज के डेट में 5 लाख से ऊपर लोग इन्फेक्टेड है, इसकी चपेट में आ चुके हैं, और डेथ भी मोर देन 25,000 से ऊपर हो चुके हैं। उसका मैं डाटा आपको दे दूंगा, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई। उसके बाद देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, जब ताइवान ने बोला तो ताइवान को इन्होंने वैल्यू ही नहीं दिया, क्योंकि ताइवान को बहुत सारी कंट्री आज भी कंट्री नहीं मानती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे। पर जो है कि ताइवान को इन्होंने वैल्यू नहीं दिया और ये चाइना की बातों को मानते रहे। इन्होंने बोला ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं अपलोड होता है भाई, ये नहीं जाता है, नहीं फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं ट्रांसफर होता है। और इन्होंने ये अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया है, आप इसको देख सकते हैं इनके ट्विटर हैंडल पे जाके WHO के, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, जब 15 जनवरी के बाद की बात बता रहा हूँ, 15-20 जनवरी के बाद जब लोगों ने कई कंट्रीज जिसमें इंडिया भी था, कई लोगों ने इनकी फ्लाइटें बैन करनी शुरू कर दी, स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी, फिर WHO उठ के आया, बोला कि नहीं आप ऐसा बिहेव करेंगे तो ये रेसिस्ट बिहेव हो जाएगा, ऐसा ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं, स्क्रीनिंग की भी जरूरत नहीं है। उस टाइम में अगर ये पूरी दुनिया अगर ऐसा करती तो शायद आज ये पेंडेमिक सिचुएशन होता ही नहीं। बट WHO ने बोला नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी इन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया, आप ये ट्विटर पे देख सकते हैं। उसके बाद भी काफी चाइनीज, 24 जनवरी, 25 जनवरी इनका स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम था, और उस टाइम में काफी चाइनीज मूवमेंट होती है, काफी लोग जाते हैं। मैं भी बीजिंग से आया था तो काफी जगह लोग ट्रांसफर ट्रेवल करते हैं। तो उस टाइम में वुहान के जो मेयर थे या वुहान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थी, उन्होंने बोला था कि 50 लाख से ऊपर पीपल जा चुके हैं। वुहान की जो पॉपुलेशन है मोर देन 1 करोड़ लोग हैं, बट 50 लाख जो है अदर अदर आसपास के गांव में या दूर दूर के प्रोविंस में भी रहते हैं, जो वहां काम करने जाते हैं, क्योंकि वुहान यहाँ की एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया है, इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटल है वो। तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा, काफी लोग जाते हैं फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वहां पे, काफी रिसर्च लैब है वहां पे, तो वहां से लोग मूव कर चुके थे। अब ये बीमारी आपको जब अगर दिसंबर में फैली है और इतनी सीरियस है, और लोग 24 जनवरी तक चाइना सीरियस नहीं हुआ, और आपको फिर चाहे वहां 30 जनवरी को चाइना लॉकडाउन करता है, तब तक में कितने लोग निकल चुके थे, तब तक में कितने लोग दुनिया में चाइना के अंदर में निकल चुके थे। उसके बाद दोस्तों अब ये देखो कि चाइना लॉकडाउन होते होते 7 फरवरी तक पूरा लॉकडाउन हो चुका था और मूवमेंट्स कम हो चुकी थी, वायरस जहां था लोग तो निकल चुके थे, तो वायरस तो फैलना ही था कहीं ना कहीं। काफी लोग यूरोप जा चुके थे, क्योंकि जो चाइना की सबसे पहली पसंद है इटली, इटली ज्यादा जाते हैं लोग यहाँ के। मोस्टली जो यहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का डाटा था, उन्होंने बोला था कि मोर देन 20 लाख पीपल इटली ट्रेवल करते हैं चाइना से स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान, ये उनका डाटा बता रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। तो दूसरी बात है कि चलो WHO ने ये 2 पॉइंट्स गलत कर दिए। फिर जब तीसरा पॉइंट आया, WHO का कहना है कि भाई इसको चाइना वायरस ना कोई बोले, जब ये वायरस चाइना के अंदर में था तो WHO ने इसका नाम एनकॉफ दिया था, और जब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला तो इसका नाम COVID-19 हो गया है। और फिर इसको जब US ने चाइना वायरस बोलना शुरू किया तो फिर WHO ने बोला नहीं आप इसको चाइना वायरस नहीं बोल सकते हैं, और मतलब इससे रेसिज्म फैलेगा, लोग जो चाइनीज मूल के लोग हैं उसको लोग नफरत करेंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है WHO इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है चाइना को, क्या हाइपोक्रेसी की भी हद होती है। आप ये देखो कि काफी सारी जो डिजीज है एपिडेमिक सिचुएशन की, जो कि कंट्रीज के नाम पे पड़े, जैसे कि स्पेनिश फ्लू जो है सबसे फेमस है, फिर इबोला वायरस को भी आप देख सकते हैं, वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आया था, इबोला एक नदी का नाम है वहां पे, तो उनका नाम उस जगह से पड़ा। तो फिर ये भाई जब ये वायरस वुहान वायरस, तो कई कुछ दिन तक तो लोग इसको वुहान वायरस के नाम से लेते थे, फिर चाइना वायरस बोला, फिर अब इनको WHO ने अलग नाम दे दिया COVID-19। तो ऐसा हाइपोक्रेसी क्यों करने का है, क्या रीजन है? तो इसका जो मैंने एक तथ्य निकाला है कि इसका यही रीजन है, जो टेड्रोस हैं WHO के डायरेक्टर, जिनको चाइना ने काफी सपोर्ट किया। आपको मैं बता दूं चाइना की इकोनॉमिक मोर देन $12 ट्रिलियन हो चुकी है, और चाइना काफी इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि मैं चाइना के अंदर में हूं तो काफी चीजें मैं जानता हूं, और काफी लोगों के बीच में रह चुका हूं तो मुझे अंदाजा हो चुका है। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, क्योंकि देखो आप चाइना के अंदर में भी आप रहोगे तो आप देख सकते हो कि ओनली 20 और 30 डेज के अंदर में उतनी लार्ज स्केल बीमारी को इन्होंने ठीक कर दिया, सबसे बड़ी बात है। तो खैर जो भी हो वो तो बात की बात है, उस पर हम नेक्स्ट टॉपिक में एक वीडियो बनाएंगे। बाकी ये चीज है कि WHO इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, अगर WHO सबको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहले देता तो मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोग इस चीज को समझ जाते और वो लोग प्रिकॉशन लेते,
जो, और आज ये जो 5 लाख लोग इन्फेक्टेड है वो नहीं हो पाते इन्फेक्टेड। अब आप देखो कि चाइना को WHO जो है हर एपिडेमिक सिचुएशन में जीरो केस पता कर लेता है, जीरो पेशेंट। जीरो पेशेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इंडेक्स फिगर, मतलब इंडेक्स मतलब जो पहला केस होता है वायरस का या कोई भी एपिडेमिक सिचुएशन का जो पहला पेशेंट होता है उसको कहा जाता है। अब ये देखो पेशेंट जीरो जो है वो पता आज चला है, 29 मार्च को पता चला है, उसमें भी अभी सिर्फ वुहान के उस पोस्ट पे आया है। चाइना ने इसको अभी तक क्लियर नहीं किया, क्योंकि चाइना तो इस पे ब्लेम लगा रही है कि US ने इस वायरस को फैलाया। तो उस लड़की का और लेडीज का नाम है, मैं एक बार पढ़ लूँ, वेई गुशियांग। वेई गुशियांग उस लेडीज का नाम है जो कि 57 ईयर ओल्ड है, जिनका उसी सी फूड मार्केट में दुकान थी, वो सबसे पहले इन्फेक्टेड थी। आज के डेट में ये ठीक हो चुकी हैं और ये नॉर्मल है। और ये पेशेंट क्यों जरूरी होता है मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पेशेंट इसलिए जरूरी होता है कि इससे पता किया जाए, क्रूशियल डाटा निकाला जाए कि बीमारी कैसे फैला इनके में और फिर कैसे कैसे लोगों में फैला। इसलिए तो WHO को इतना दिन लग गया, मतलब 3 मंथ्स लग गए ये पेशेंट जीरो पता, और बाकी एपिडेमिक्स में WHO पहले पेशेंट जीरो को पता कर लेता था, बट इस कोरोना वायरस सिचुएशन में इनको 3 महीने से ऊपर लग गया पेशेंट जीरो पता करने में। आज 29 मार्च को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 29 मार्च को आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो है आपको मैं बता दूं कि वुहान की जो हेल्थ डिजीज सेंटर है उन्होंने उस मार्केट से 500 सैंपल निकाले थे, जिसमें से 33 सैंपल्स में कोरोना वायरस पाया गया था। ठीक है, तो भाई यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि अभी तक तो ये चाइना से ही वायरस आया है, तो इसका नाम चाइना वायरस बोलने पे क्यों प्रॉब्लम हो रही है चाइना को। तो WHO के आपको 3 फॉल्ट्स मैंने बता दिए जो मेन 3 फॉल्ट्स थे, और WHO क्यों सपोर्ट कर रहा है, और चाइना आपको पता ही है कि चाइना शुरू से ही अपने ट्विटर हैंडल पे काफ़ी चीज़ें इन्होंने ऐसी बोली, मतलब इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। जब दुनिया इनको ब्लॉक कर रही थी तो इन्होंने बोला नहीं हम भी ब्लॉक क्यों करो, जो ये चीज़ बोलते रहते। तो देखो WHO और चाइना की जो बोली थी वो सेम थी। WHO एक पार्शियल संस्था है, उनको पूरी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए था। उन्होंने पर्टिकुलर एक चाइना को सपोर्ट किया, जिसके रीज़न वही है कि डॉक्टर टेड्रोस जो डायरेक्टर हैं WHO के, उनको काफ़ी सपोर्ट मिला चाइना की ओर से काफ़ी, और ये लगता है उस चीज़ को आज सुधार है। मतलब नहीं होता कि अब आपको मैंने मदद किया आज मैं आपकी मदद करता हूँ, तो इस मदद के चक्कर में पूरी दुनिया आज तबाह है, पूरी दुनिया तबाह है। बाकी भाई अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच में फैलाएं और दोस्तों को शेयर करें, और भाई का चैनल सब्सक्राइब भी करें। मैं चाइना के अंदर में हूँ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें एनालाइज किया। ऐसा नहीं कि मैं चाइना के अंदर तो चाइना की बुराई कर रहा हूँ, बस मैंने आपको एनालाइज किया कि क्या सिचुएशन है, और अभी की आप सिचुएशन देख सकते हैं चाइना के अंदर में, सब कुछ ओपन है। उसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है और वो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल दूंगा। बाकी आज का करेंट डाटा आपको मैं बता दूं कि मोर देन 5 लाख से ऊपर लोग इन्फेक्टेड है, US 1 लाख से पार कर चुका है, और सून इटली भी 1 लाख टच कर जाएगा। डेथ सबसे ज़्यादा इटली में है, चाइना को भी काफ़ी कंट्रीज पीछे छोड़ रही हैं, तो ये बड़ा क्रूशियल स्टेज है। और लास्ट में मैं अपने सारे देसी इंडियन भाई से कहूँगा, भैया हमने कोरोना वायरस का सिचुएशन चाइना के अंदर में देखा, बहुत क्रूशियल था उस टाइम में भी, और इस टाइम में भी इंडिया की सिचुएशन ऐसी क्रूशियल ना हो, तो जो सरकार कहती है आप उसको माने और सरकार के साथ सपोर्ट करें भाई, क्योंकि आप जितना आइसोलेशन में रहेंगे ज़्यादा सेफ है। क्योंकि WHO ने ये जो इन्फॉर्मेशन बताने में 1 महीने से ऊपर लगा दिया, जिस कारण आज ये पेंडेमिक सिचुएशन हुई है, और वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो भाई आप भाई के चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई घर पे आइसोलेट रहें, और जब तक सरकार कह रही है तब तक तो पक्का आइसोलेट रहें, जब तक कोई दवाई बन नहीं जाती इसकी। बाकी आप देखो, और हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताएंगे कोरोना वायरस के बारे में, क्या करें क्या ना करें। फिलहाल तो आज आपको ये डिसाइड करके बताना है कि WHO जिम्मेदार है कि चाइना जिम्मेदार है, क्योंकि चाइना जो जो बोलते रहे वही WHO ने भी बोला है। तो यहाँ पे WHO का जो रोल होता है उनको ये करना था, इनको पार्शियलिटी करनी चाहिए थी, इनको सब कुछ सही बताना चाहिए था, सारे इन्फॉर्मेशन सही देने थे। इन्होंने इन्फॉर्मेशन देने में काफ़ी टाइम लगा दिया, जिसकी वजह से आज ये पेंडेमिक सिचुएशन, और इन्होंने चाइना को बहुत कोऑपरेट किया। और चाइना आप नहीं जानते, मैं जहाँ तक जानता हूँ चाइना के अंदर में चाइना काफ़ी इन्वेस्टमेंट करता है अपनी इस मीडिया रिपोर्ट्स के लिए, काफ़ी अपनी छवि को बनाने के लिए। तो खैर वो सब बात की बातें हैं, हम कभी पॉलिटिकली बात करेंगे इस बातों पे। बाकी इस वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों, और लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या प्रॉब्लम है, कैसे चाइना से या WHO ने इसको छुपाया या बताया या लेट किया, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। बाकी आप मुझे सजेस्ट करें, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे बताएं, मैं इसको सुधार सकता हूँ। और भाई आपका सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगे तो भाई को सपोर्ट करें लाइक करके। आपका 1 लाइक मेरे लिए काफ़ी है, आप लाइक जितना दे सकें। ठीक है भैया, नमस्ते।
Do you want to know?